आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आप पाई के माइनिंग करते हैं तो आपके मन में एक सवाल ज़रूर होगा, जो माइनिंग किया हुआ कॉइन है हम इसे विड्रॉल कैसे करें, हम इसे ट्रांसफ़र कैसे करें, हम इसे बेचकर पैसा बैंक अकाउंट में कैसे लें। अगर आप इसे विड्रॉल करना चाहते हैं, अगर आप इसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं और बेच के पैसा बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं, उसका प्रोसेस जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल के साथ बात करने वाले हैं कि आप कौन सा कॉइन बेच सकते हैं, कौन सा कॉइन बेच नहीं सकते हैं और बेचने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, आपको पूरा डिटेल के साथ बताने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बस इतना रिक्वेस्ट है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और मेरे डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन अवश्य कर लें, क्योंकि उसे ज्वाइन करना बेहद ज़रूरी होता है, वहाँ पर टाइम टाइम अपडेट आपको हम देते रहते हैं। एक और बात है, कॉइन आप तभी बेच पाएंगे जब आपका केवाईसी कंप्लीट हो। बगैर केवाईसी कंप्लीट किए हुए आप अपना कॉइन को नहीं बेच सकते। बेचने के लिए सिंपल सा आपको क्या करना है, पाई ब्राउज़र को ओपन करना, ध्यान से देख लीजिए ताकि हम आपको दिखा सके। आप यहां पे देख सकते हैं ये वाला पाई ब्राउज़र, ध्यान से देखिए, इस पाई ब्राउज़र को ओपन करें। जैसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपका नया इंटरफेस खुलेगा। इस इंटरफेस में आपको थोड़ा सा समय देना होगा, क्योंकि पाई ब्राउज़र में थोड़ा सा समय लगता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, पाई ब्राउज़र के अंदर पाई वॉलेट का एक ऑप्शन होगा, इस ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। इस ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको अपना वॉलेट को ओपन कर लेना है। जैसे आप अपना वॉलेट ओपन कर लेंगे तो आपका इंटरफेस इस प्रकार से खुलेगा, लेकिन ओपन करने के लिए या तो 24 वर्ड का फ्रेज यानी पास फ्रेज या फिर फिंगरप्रिंट आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपका इस प्रकार से अनलॉक हो जाएंगे। अगर आपके यहाँ पे ऊपर में रेड डॉट है, ध्यान से देखिएगा, अगर आपका ये रेड डॉट है तो ये वाला कॉइन आप नहीं बेच सकते, ठीक है, क्योंकि इसके सामने टेस्ट लिखा हुआ, आप यहाँ पे देख लीजिए, इसके सामने टेस्ट लिखा हुआ है। टेस्ट कॉइन खिलौना कॉइन है। पहचान क्या है, अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो आप यहाँ पे रेड का एक डॉट होगा, उस डॉट को आप समझ लीजिए कि ये टेस्ट कॉइन है। उसके बाद आपको सिंपल सा उसे बदलने के लिए यहाँ पे टच करना होगा, इस वाला फिगर पे। जैसे टच करेंगे तो आपके पास आ जाएगा पाई मैग्नेट, इस पाई मैग्नेट को आपको क्या करना है, टच कर देना है। जैसे आप टच कीजिएगा आपका यहाँ पे मैग्नेट सेलेक्ट हो जाएगा। हम इस वॉलेट को दिखाने का मेरा मकसद ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा पाई बेचना है, तो टेस्ट पाई बेचने के लिए तैयार होते हैं। जैसे कि मेरा यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस में नहीं है मैग्नेट में, मतलब हमारा या तो माइग्रेशन नहीं हुआ है, केवाईसी नहीं हुआ, कुछ तो बाकी है जिसकी वजह से यहाँ पर नहीं आया। जब तक यहाँ पर पाई नहीं आ जाता तब तक आप सेल नहीं कर सकते, ठीक है। अब सेल करने का प्रोसेस बता दें, जब आएंगे, मान लीजिए कि आपके पास 10 दिन 15 दिन 20 दिन के बाद जब आएंगे तो प्रोसेस क्या रहेगा विड्रॉल करने का, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पे एंड रिक्वेस्ट होगा, इसमें आपको टच करना है। अगर किसी बंदे को सेंड करना है, अगर वो बंदा आपको एड्रेस दे रहा वॉलेट एड्रेस तो दो नंबर से, और अगर QR कोड दे रहा स्कैनर दे रहा तो ऊपर वाला से, पहले आपको एड्रेस वाला में टच करना है। अगर एड्रेस देता है तो उसके बाद ऊपर में आपको जितना पाई बेचना है 1000 पाई लिख दिए, उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस होगा वो यहाँ पे आपको चिपका देना है। देने के बाद आपको ये ऑप्शनल है, यहाँ पे कुछ लिखे तो लिखे, ना लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पर सेंड के ऑप्शन में टच कर दीजिए। जैसे टच कर दीजिएगा यहाँ पर आपका कन्फर्म मांगेगा, आपका कॉइन सेंड हो जाएगा। लेकिन अब सवाल आता है, कोई बंदा स्कैनर दे या हम किसी से कॉइन लेना चाहते हैं तो एड्रेस कहाँ मिलेगा, आपका खुद का एड्रेस और स्कैनर इस ऑप्शन में है। जैसे आप टच कीजिएगा यहाँ पे, देखिए अगर वो बंदा स्कैनर देगा तो यहाँ पे आपका स्कैनर लोड हो रहा है, तो उसके बाद आप यहाँ पे स्कैनर ले सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये मोबाइल का स्कैनर आप देख पा रहे हैं। अगर खुद का स्कैनर किसी को देना चाहते हैं तो ये वाला स्क्रीन शॉट इस प्रकार से ले लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर किसी को एड्रेस देना चाहते हैं तो आप एड्रेस देने के लिए सिंपल सा इस वाला ऑप्शन को यूज कीजिएगा, इस एरो में टच कीजिएगा, ये जो एरो है यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पाएंगे, जहाँ पर चाहे वहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं, फिलहाल अभी हमको शेयर नहीं करना। इस प्रकार से आप अपना कॉइन को बेच सकते हैं। और अगर आप अपना खुद का कॉइन बेचना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। पाई कॉइन सेल बाय करने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं और आप अपना पाई कॉइन मेरे पास ऑथेंटिक तरीके से सेल करके पैसा कमा सकते हैं।